दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो कि कैसे मैंने जियो फोन 3 बुक करवाया और पूरे चैट को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चैट को रोक रोक के पॉज कर करके इस वीडियो में पढ़िएगा। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आपका जियो फोन 3 बुक होता है, पूरी इस वीडियो में आप लोग को डिटेल दूंगा। लेकिन ये चैट जो है ये पढ़िएगा, ये मैंने बात की है उनसे जिनसे जियो फोन 3 मैंने बुक कराया, तो वो क्या कह रहे हैं और मेरा क्या जवाब है इस चैट्स में पूरा का पूरा एकदम आपके सामने है। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, इग्नोर मत करिएगा, पॉज करके वीडियो को आराम से चैट को पढ़ते जाइए अगर आपको भी अपना जियो फोन 3 बुक कराना है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को आधा देख के भाग जाओगे तो बहुत बड़ा लॉस आपका होगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो अब चैट्स अगर पढ़ लिया हो तो स्टार्ट करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जियो फोन 3 बुकिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बुकिंग के बारे में, लॉन्च के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ नया अपडेट पता लगा है। मैं पुरानी जो वीडियो डाला हूँ ये उससे थोड़ी सी अलग है और यहाँ पर कुछ मैंने गुफ्तगू भी की है हमारे भाई के साथ जो कि जियो फोन बुक करते हैं। हालांकि मैं भी जियो फोन 3 बुक कर लेता हूँ और जिनके साथ मैंने बात की है तो वो सब आपको शो करने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को यार देखते रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। मतलब पुरानी वीडियो सोच के आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ तो आपका लॉस हो जाएगा और आप जो भी मतलब फिर आप घाटे वाटे में चले जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको जियो फोन 3 बुक कराना है, जैसा कि आप देख सकते हो SMS यहाँ पर है, मैंने खुद का जियो फोन 3 बुक किया है, काफी लोग का बुक किया है, तो बहुत इजीली आप बुक करा सकते हो जियो फोन 3 मेरे से। कैसे आप सब कुछ कर सकते हो जाने की वीडियो में बने लगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सैमसंग के गैलेक्सी नोट 10 प्लस का, इन्फिनिक्स के हॉट 8 का और जियो के 498 के रिचार्ज का गिव अवे चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी गिव अवेज के पार्टिसिपेट लिंक मिल जाएंगे, जाइए गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए और मे भी अगर आपका बेस्ट लक अच्छा हुआ तो आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 या इन्फिनिक्स का हॉट 8 या जियो का 498 का मतलब रिचार्ज जो है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपके घर पे। दोस्तों सब कुछ जानने के इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं जियो फोन 3 की, तो जियो फोन 3 का दोस्तों बेसिकली कुछ सीन ऐसा बन रखा है कि काफ़ी लोग जियो फोन 3 बुक कराना चाह रहे हैं। मेरे पास भी हर दिन मतलब ईमेल 50 से 60 ईमेल आ जाते हैं जियो फोन 3 को लेकर ही कि सर जियो फोन 3 कैसे बुक होगा, कब लॉन्च होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं जियो फोन 3 आपका बुक कर दूंगा बहुत ईजिली, SMS आप देख सकते हो, प्रूफ आपके सामने है। ये दोस्तों जो SMS है ही मैंने खुद बुक किया था, तो मुझे जियो की तरफ से भेजा गया और ये आपका कुछ मतलब देखने को मिल जाता है। क्या करना है आपको, अपना फादर नेम बताना है, अपने मम्मी का नाम बताना है, एरिया कोड और कहाँ रहते हो आप वो बताना है, और सबसे यहाँ पर जरूरी चीज़ है अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको भेजना है। फिर दोस्तों क्या होगा, मैं आपसे व्हाट्सएप पे करूँगा कॉन्टैक्ट। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपसे बुकिंग अमाउंट कुछ मंगवा लूंगा, 1500 रुपये। कौन सा मॉडल लेना चाहते हो यहाँ पे डिपेंड है, 1500 रुपये लोएस्ट मॉडल का है और 3000-4000 रुपये हाईएस्ट मॉडल का है जियो फोन 3 का, तो वो आपसे पेटीएम के थ्रू ले लूंगा। अगर आप पेटीएम यही यूज़ करते हो तो बैंक के अकाउंट में मंगवा लूंगा और फिर आपको बुक करके जियो की तरफ से मतलब जो ऑफिशियल SMS होता है वो आपके नंबर पर भिजवा दूंगा। तो आपका फ़ोन 6 या 7 दिन में वर्किंग जो भी 10 डेज होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा आपका जियो फोन 3। अब दोस्तों यहां पर आप समझ गए होंगे कि मैं करना चाह रहा हूं स्कैम। अब हालांकि ये सब चीजें मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, पहली वीडियो में भी सब चीजें बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों नई चीज ये है कि आखिर में मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल चुका है YouTube पे और इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। अब जिनका मतलब YouTube चैनल की तो अर्निंग कर ही रहे हैं लेकिन वो अब इस फ्रॉड को लेकर भी अर्निंग कर रहे हैं। मतलब आपसे जैसे मैंने बोला और आप वैसा ही कर दोगे तो क्या होगा, पेटीएम अकाउंट में नंबर होते उनके पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट में वो पैसे डलवा लेंगे आपसे, फिर वो पैसे लेकर वो गायब हो जाते हैं और कोई भी यहाँ पर बुक बुक नहीं होता है, फिर वो व्हाट्सएप से भी आपको ब्लॉक ब्लॉक मार देते हैं। तो ऐसा ही स्कैम चल रहा है और मैं दोस्तों आपके साथ स्कैम नहीं करना चाह रहा था, मैं ऐसा इसलिए बोला था ताकि आप वीडियो में बने रहो। अब दोस्तों बता दूं कि ये जियो फोन 3 लॉन्च ही नहीं हुआ है। अब फिलहाल दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूं कि मैं यहां पर जियो फोन 3 बुक करना चाह रहा था कि मैंने कहा यार हो सकता है कुछ यहां पर आजकल काफ़ी नॉलेजेबल लोग रहते हैं, बुकिंग स्टार्ट हो ही गई हो, तो मैंने एक भाई से कॉन्टैक्ट किया और आप चैट्स पढ़ सकते हो, उन्होंने जैसा जैसा कहा कि फादर नेम मदर नेम वगैरह 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 आप भेज दीजिए फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करूँगा, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट मुझसे किया भी, हालाँकि मैं नाम नहीं शो कर सकता हूँ, कुछ रीज़न पर्सनल रीज़न, हालाँकि थोड़ा सा मतलब नहीं शो कर सकता हूँ नाम, मैं नहीं शो करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो नाम यहाँ पर नहीं शो कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाओगे यार इस मतलब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आप देख सकते हो चैट्स यहाँ पर है और मैंने उनसे पूरी बात की उससे, तो वो क्या कहते हैं मतलब पेटीएम का मतलब ये नंबर मेरा ये है, आपको पहले 1500 रुपये देने होंगे।
ठीक है, 1500 रुपये आपको देने होंगे। और ऐसा ही फ्रॉड हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर जो SMS आप देख रहे थे वो किसी ने शेयर किया था, तो ये सब कुछ होता रहता है। फिर क्या हुआ दोस्तों कि मतलब पूरा उनसे पूछा मैंने, कहा कि आप पहले भिजवा दो, मैं अमाउंट आपका ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो वो इस चीज़ को राज़ी नहीं थे, उन्होंने कहा था बुकिंग अमाउंट आपको देना पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर यार वो फ़ोन उनके पास है ही नहीं बुकिंग अमाउंट लेके उनको भागना है, तो वो बुकिंग अमाउंट का ही मतलब लगा रहे थे, रट लगा रहे थे कि यार बुकिंग अमाउंट। तो मैंने दोस्तों उनसे पूछा कि बुकिंग अमाउंट तो हम नहीं दे सकते आपको, तो वो कहते हैं कि आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ऊपर। और तो मतलब ऐसे यहाँ पर वो फंसाते, तो आप देख सकते हो। फिर मैंने लास्ट में बिल्कुल मना कर दिया, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों कि वो भी चुप हो गया और समझ गया कि हाँ ये स्कैम में नहीं फंसने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और मुझे मेरे मतलब कुछ सब्सक्राइबर जो है वो कुछ व्यूवर्स जो है आप कह सकते हो हमारे फैमिली मेंबर है, उनमें से कुछ यहाँ पर गलती से इसके चपेट में, स्कैम के फ्रॉड के चपेट में आ गए थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो और ईमेल जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो खुद उन्होंने भेजा था कि सर मैं मतलब स्कैम में फंस चुका हूँ, ऐसा ऐसा मतलब मैंने 1500 रुपये या 3000 रुपये मतलब दे दिए, 3500 रुपीज़ दे दिए, और फिर वहाँ पर एक फेक मैसेज आता है जियो फोन 3 का कि आपकी बुकिंग जो है वो कन्फर्म हो गई है, अमाउंट ये था और आपका जो भी डिलीवरी है वो अपकमिंग डेज में आपके घर में हो जाएगी। तो ये सब फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैम है, बच के रहिएगा। जियो फोन 3 अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये कब तक लॉन्च होगा, क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, मेरे नज़रिए से मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, कुछ दिनों का वेट करिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों यही है कि अभी मैंने कुछ खुद चैट किया था जो स्कैमर हैं, जो फ्रॉड करते हैं, मैंने सोचा यार एक वीडियो ऐसा क्यों ना बनाया जाए जिसमें कि मैं खुद मतलब एक बार चेक करके दिखा दूँ, लाइव दिखा दूँ कि कैसे ये लोग बात करते हैं। हालांकि मैं अपना जो भी आपको बता दूँ कि नाम था, एड्रेस था, मैंने कुछ भी इनसे असली शेयर नहीं किया था, सब कुछ गलत था, सिवा बस मेरा नंबर रियल था, और उस नंबर को भी मैं मतलब यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो सिर्फ नंबर रियल था ताकि मैं व्हाट्सएप पे इनसे कॉन्टेक्ट कर सकूँ। तो जब आप खुद ही फ्रॉड में नहीं फंसना चाहोगे तो आपको कोई भी फ्रॉड में नहीं फंसा सकता, और गलत मैंने नाम वाम सब कुछ गलत दिया था, तो एक तरीके से मतलब इनकी पोल पट्टी मुझे आपको शो करनी थी कि ऐसे ही लोग उस चैट करते हैं और फ्रॉड में आपको फंसाते हैं, स्कैम में फंसाते हैं और आपको स्कैम का भागीदार बनाते हैं और आपसे 3000, 4000, 5000 रुपये जियो फोन 3 के नाम से लेके गायब हो जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो इसे प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस रुझान टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।